वाशिनी तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में रोजाना बाघ होने से लोगों में दहशत फैली हुई है, जबकि पिछले 2 महीने से बाघ किसी न किसी पालतू जानवर पर हमला कर उसे अपना शिकार बना रहा है, जिससे किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं खेती बाड़ी करने वाले किसान खेत में जाने से डरते हैं, वहीं बीज का डर लग रहा है, जिसके चलते बाघ किसी भी समय जानलेवा हमला कर किसी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। इस तरह की दहशत बाघ ने इस क्षेत्र में बनाई है। बाघ नए गांव खैरी, माहौली, कालापाटा, नया कुंड, मेहंदी और अन्य क्षेत्र में बाघ ने अपना ठिकाना बनाने से यहां से गुजरने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है, जबकि खेत खलियान में काम करने वाले लोग खेतों में जाने से डरे हैं, जिससे खेत में खड़ी फसल का नुकसान होता नजर आ रहा है। वन विभाग के अधिकारी इस बाघ को खड़कने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं, मगर उसे पकड़कर जंगल की ओर छोड़ने का प्रयास नहीं करने से बाघ ने इसी क्षेत्र में अपना ठिकाना बनाए रखा है। शनिवार की सुबह इस बाघ को पालोरा ग्राम समीप खेत में देखा गया, जहां बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। किसी भी समय बाघ इंसान को अपना शिकार बना सकता है, इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, इसलिए वन विभाग ने तुरंत इस बाघ को पकड़ने के लिए प्रयास करना जरूरी है। इस तरह की मांग यहाँ के स्थानीय निवासियों ने वन विभाग से की है। या भागात वाघाने धुमाकूळ घातला आहे, त्यामुळे येथील रहिवासी, गावकरी आणि जे येणारे जाणारे आहेत त्यांच्यात मोठी दहशत पसरलेली आहे। हे वाघ केव्हा कुणा हल्ला करेल याचा नेम नाही। अनेक लोकांनी या भागाच्या वाघाला प्रत्यक्ष पाहिलेलं आहे, तरी या भागातील शेतकरी झालेले आहेत, घरी झाले त्यांच्या शेतामध्ये कोणी काम करणं जात नाही, त्यामुळे त्यांच्या शेतातली शेतपिके अशी उघड्या पडली आहेत। तर हा वाघ दररोज कुठे ना कुठे कुणाला ना कुणाला दृष्टी पाहत येतो, त्यामुळे या भागात या वाघाची दहशत अतुनात झालेली आहे। वन विभागाचे अधिकारी या वाघाला शोधून पळण्यासाठी प्रयत्न करतात, मात्र वन विभाग या वाघाला जेरबंद करण्यासाठी कुठलाही प्रयत्न करतो असताना दिसून येत नाही। त्यामुळे हा वाघ कोणाच्या वध करेल किंवा कोणाला शिकार बनवेल याचा काही नेम नाही। आज आपण पाहू शकता, या ठिकाणी पाहू शकता आपण की या ठिकाणी इथे वाघ होता, आज सकाळी वाघ होता, अनेक लोकांनी पाहला, शाळकरी मुलांनी पाहला, तरीही वाघ असताना फक्त वन विभागाचे अधिकारी ते आले, पाहून गेले आणि वाघ कुठे आहे शोध घेतला, मात्र वाघ काही दिसून आलेला नाही। तरी हा वाघ कोणाचा शिकार करेल याचा काही नियम वाटत नाही, त्यामुळे पूर्ण जनता येथील भयभीत झालेली आहे। करिता सर्व वन विभागाने सरकार या भागात सर्च ऑपरेशन करून या वाघाला जेरबंद करावे अशी मागणी परिसरातील लोकांनी केली आहे। बघूया वन विभागाला या वाघाला पकडण्यात किती यश मिळतं। मी रुपेश खंडारे, BCN न्यूज, पारशिवनी। NBCN न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।